जब भी कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सबसे पहले वर्जिन मोहितो ऑर्डर करते हैं। वही वर्जिन मोहितो मैं घर पर सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं वो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। समर स्टार्ट हो चुका है और सभी की डिमांड होती है कि कुछ न कुछ समर स्पेशल ड्रिंक हम ज़रूर बनाएं घर पर, तो इसी के लिए ये स्पेशल ड्रिंक आप लोगों के लिए। इसके लिए मैंने एक नींबू ले लिया है और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। मैंने यहाँ पर 7 से 8 टुकड़ों में इसे काट लिया है और अब इसके बाद हम फ्रेश पुदीना ले लेंगे। और पुदीना को मैंने पहले से अच्छे से धो कर साफ़ कर लिया था और इसके बाद इसके हम पत्तियाँ इस तरह से तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप पत्ते वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो उन्हें पहले अच्छे से साफ़ ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पुदीना के पत्तों को हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक प्लेट में काला नमक डाल रही हूँ। ये हम मैं ग्लास को गार्निश करने के लिए कर रही हूँ, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद ग्लास पर इस तरह से ऊपर नींबू का रस लगा देंगे हम, ताकि इस पर जो नमक है वो अच्छे से चिपक जाए। और बस इस तरह से इसे घुमाते हुए नमक को अच्छे से इस पर लगा दीजिए। ये सर्व करने में बहुत ही अच्छा लगता है और आप जब इस ड्रिंक को पियेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद एक गिलास में हम पुदीना और नींबू डाल देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे, 5 से 6 आइस क्यूब्स में डालिए। और इसके बाद इसमें हम सोडा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्प्राइट भी डाल सकते हैं, पर यूजली इसमें सोडा ही यूज करते हैं। अगर आपको टेस्ट के लिए चाहिए तो शुगर ऐड कर सकते हैं या शुगर सिरप डाल सकते हैं। मेरे पास शुगर सिरप अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें शुगर डाल दी है। उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्वीटनेस पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा वर्जिन मोहितो बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रिंक की रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।